हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी को राधे राधे। तो गाइस, कल का व्लॉग नहीं आ पाया, कल कुछ सर्वर डाउन था मेरा तो इसलिए व्लॉग नहीं आ पाया। और गाइस, कल हमारे घर आया है ओवन और स्पीकर्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, तो मैं कल का व्लॉग नहीं बना पाई। और तो मैंने सोचा मैं आपको आज अच्छे से सबका रिव्यू वगैरह दूंगी, सबको आपको साउंड सुनाऊंगी उसका, एंड आपको ओवन में मैं कोई डिश बना के दिखाऊंगी। तो आज मैंने सोचा, अभी मैंने देखो कल रात मैंने ना उसमें ब्रेड जो है मैंने ना भाई ने वो थोड़ी वार्म सी गर्म कर ली थी, और आज सुबह जो है मैंने भाई के लिए मिल्क बॉयल किया था आज सुबह भैया, तो हो गया हो और अच्छे से हो रहा है। तो अभी मेरे को प्रोसेस समझ नहीं आया, मैं धीरे धीरे बनाने की कोशिश करूँगी तो मेरे को प्रोसेस समझ आ जाएगा। और आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज अब मैं उसमें बच्चों के लिए भी अपने लिए भी पिज़्ज़ा बना सकती हूँ, बर्गर बना सकती हूँ एंड एनीथिंग। तो यस, अभी मैं सोच रही हूँ हम बनाते हैं आज पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज। तो अभी मेरे को पहले उसके लिए मसाला बनाना पड़ेगा। सीधा मैं आपको अब ओवन में मिलूँगी, ओवन में दिखाऊँगी क्या 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 हो, मतलब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो पहले मुझे उसके लिए कट करने हैं पोटैटोज़, कट करने हैं, शेप देनी है उन्हें, थोड़ा बॉईल करके थोड़ा उनमें बैटर मिक्स कर करना है, एंड जो मसाला बनाने वाली हूँ पहली पहली मसाला वो मिक्स करना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है। सो गाइस, ये है मैंने पोटैटोज काट लिए हैं और बॉयल भी मैं इसी में कर दूँगी। तो गाइस, हम पढ़ के ज़रा कॉक करेंगे, हम स्ट्रेंथ तो करेंगे फॉर 3 सेकेंड। तो गाइस, ये लग चुका है 5 मिनट और कुछ सेकंड्स का, चलो वेट करते हैं। आई थिंक हो चुके हैं। मुझे फ्राइज का तो नहीं पता, मुझे पर कितनी अच्छी खुशबू आ रही है चीज़ और मसाले की। अगर व्लॉग में अगर आपको मैं स्मेल भी करवा पाती ना तो भाई बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा। ऑलमोस्ट मैंने 11-12 मिनट के लिए रखा है और 1 मिनट हो गया है, देखते हैं अभी बाहर निकालते हैं, यही वजह अभी मुझे करना है। तो गाइस, ये हो चुके हैं अच्छे से मेल्ट, मैं आपको दिखा देती हूँ चीज़ कितनी अच्छी लग रही है यार, ये देखो। गरम है और हम जले ना तो अच्छी बात होगी। गाइस, ये हैं वो बॉक्सेस और इनकी आवाज़ काफ़ी मुझे तो बहुत अच्छी लगी और फुल स्पीड पे अभी। और गाइस, ये ना अभी बॉक्स में मैंने देखे, ये रिमोट है और इसमें है मेन जो बात है वो है, अगर हम कभी किचन वर्किंग करना चाहें ना तो हमारे पास माइक भी मिलते हैं, माइक हम पीछे लगा सकते हैं और एक से गा सकते हैं, एक हम ढोला के पास सकते हैं रख सकते हैं ताकि आवाज़ वो कवर करे। अभी मैं आपको चला के दिखा देती हूँ माइक भी, देखते कैसे होता है।
मैं इसको चलाऊंगी ऐसे, अब देखना। इतनी तेज आवाज क्यों कर रहा है गाइस? भाई आए तब देखेगा क्या करना है इसका। हेलो गाइस, मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं फ्रेंच फ्राइज, और पहली बार बनाया ना तो ये थोड़े ना जॉइंट से हो गए, बट बहुत मज़ा आ रहा है, इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी, इतने अच्छे अच्छे टेस्ट आ रहा है। सो गाइस, ये व्लॉग यहीं तक था, और आज मेरे को थोड़ा टीवी फील नहीं हो रहा, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलना, और मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट।